ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट अपनी अपनी जिंदगी के अंदर सो so आप सभी लोगों को पता है कि अब सेकेंड फुल मून ऑफ दिस ब्यूटिफुल ईयर आने वाला है 24th of ऑफ 2024 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर स्नो फुल आ रहा है और आपको पता है कि हर न्यू मून और फुल मून की जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो हमें अटैक करती हैं लिटरली तो आप सभी लोगों को पता है स्नो फुल मून आ रहा है चौबीस तारीख को सेकेंड मून है और ऑब्वियसली uh, बात है जितने भी फुल मून होते हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते हैं जो आपने पिछले पंद्रह दिन के अंदर मैनिफेस्ट किया होता है अपनी एनर्जी के हिसाब से वो चीज़ें आपको मिलती हैं तो आज की जो ये रीडिंग है उसके अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं ऑन दिस ब्यूटिफुल ओकेजन ऑफ फुल मून जो कि होने वाला है स्नो फुल मून 24 फरवरी को होने वाला है कि अगर आप लोग इस रीडिंग को 24 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए यू आर ऑन अ पॉजिटिव राइट ट्रैक और आप लोगों को वो चीजें पता लगने वाली है बेसिकली जो आपको इस फुल मून पर रिसीव हो सकती हैं मैं आप लोगों को कुछ आज रिचुअल्स भी बताऊंगी और मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस भी देने वाली हूं आपकी एनर्जीज के बारे में एंड डेफिनेटली आज हम बात करेंगे थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में मैंने सोचा है कि ये जो फुल मून आ रहा है इस दिन आप लोगों के लिए एक थर्ड आई मेडिटेशन का सेशन uh, आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ बात है पेट होने वाला है लेकिन ये एक ऐसा सेशन होगा कि इसको करने के बाद यू गाइज विल नॉट फील कि आगे चल कर के आपको थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन या किसी भी तरीके का कोई कैंप या कोई भी सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा ओके okay, तो आप लोग भी अपना जो है थर्ड आई का मेडिटेशन सेशन जॉइन कर सकते हैं विद मी जो कि मैं इस फुल मून पर करने वाली हूँ uh, मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑफ इंस्टाग्राम आप वहाँ से जाके मुझे क्वेरी कर सकते हैं या फिर मेल आई डी भी आप लोगों को मिल जाएगी नीचे आप वहाँ से मेल uh, आई से भी मुझे मैसेज uh, कर सकते हैं वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग आप लोगों ने क्या करना है अपने जो डेट है ना आपकी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है आपने सिंपली उसको पिक करना है दैट्स सेट। तो आपने क्या करना है उस डेट को पिक करना है जिस डेट uh, को आपका जन्म हुआ था महीना कोई सा भी हो सकता है साल कोई सा भी हो सकता है टाइम पीरियड कोई सा भी हो सकता है डेट वही होनी चाहिए जिसको आपका जन्म हुआ है नाउ देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ होती है बट रियल कुछ और होती है तो प्लीज़ रियल को ही प्रायोरिटी दीजिएगा उसी को ही महत्वता दीजिएगा ठीक है तो पायल नंबर वन में हमारे पास फोर टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट फाइव इलेवन सेवेंटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी और पायल नंबर टू में हमारे पास वन सेवन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव टू एट फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स थ्री नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी फर्स्ट ओके तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग मैं ये सारे जो नंबर्स हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी ताकि आप लोग अपने ही डेट ऑफ बर्थ को पिक कर सके तो पाइल नंबर वन या पाइल नंबर टू आपके टाइम स्टेम्स भी मैंने टाइम स्टेम्स के अंदर मैंशन कर दिए हैं तो आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी रीडिंग देखते हैं आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हाई ई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल आई होप आप सभी लोग ठीक है आप लोगों ने पिक किया है पायल नंबर वन को इसका मतलब आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है फोर फाइव सिक्स टेन अलेवन ट्वेल्थ सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन या थर्टी इनमें से कोई डेट है आपकी जिसको आपका जन्म हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये आप लोगों को दिखता रहेगा और आज हम देख रहे हैं स्नो फुलमून के बारे में बेसिकली इसको स्नो फुलमून इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है विंटर सीजन है और इस दिन ऐसी मान्यता होती है जब भी स्नो फुल मून आता है ना तो मान्यता होती है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है सबसे ज़्यादा ठंडा दिन होता है और फिर उसके बाद गर्मियाँ जो है आना स्टार्ट हो जाती हैं लाइक एक प्रॉपर समर सीज़न जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है और जो स्नो फुल मून होता है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ढेर सारी प्रोस्पैरिटी न्यू बिगनिंग्स लेकर आता है तो वही मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि ये आप लोगों के लिए कौन से न्यू मैनिफेस्टेशन लेकर आ रहा है या कौन से न्यू गोल्स लेकर आ रहा है ठीक है तो so, सबसे पहले चेक करेंगे हम कि आप लोग जिन्होंने भी पायल नंबर वन को पिक किया है जिन लोगों का भी जन्म इन तारीखों को हुआ है आप सभी की एनर्जीज क्या रहने वाली है ड्यूरिंग दैट डे बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कार्ड नंबर थर्टी टू डो टू स्पिरिट एंड कार्ड नंबर थर्ड फिफ्टी वन हीलर्स ऑफ द एजेस बॉटम ऑफ द डेक ब्लॉसमिंग अबेंडेंस अब मुझे ना यहाँ पर uh, कुछ लोगों की एनर्जीज तो ऐसी नज़र आती हैं जैसे कि uh, पास्ट में कोई परेशानी हुई जिसको लेकर के अभी आप लोगों के दिमाग में ये है कि चलो ठीक है अब जो हो गया सो हो गया अब आगे बढ़ना है ठीक है कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर एनर्जीज फील हो रही बहुत ही मल्टीपल्स ही एनर्जी है लाइक मिक्स मिक्स सा है कुछ लोगों की मुझे महसूस हो रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि अब बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को नए लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप लोग हो सकता है किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आ, आपके पास जो चीज़ें हैं जो विजडम है जो मनी पावर है मतलब विजडम एंड वेल्थ दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पास जो है कम होती जा रही है और दिन प्रतिदिन परेशानियां थोड़ी ज़्यादा सर पर आ रही हैं ऑल दो आप एक जिम्मेदार इंसान हैं जिम्मेदारी बहुत सारी है आपके ऊपर आपको पता है कि किस तरीके से पैसा कहाँ खर्च करना है बट स्टिल आपके साथ कोई ना कोई फाइनेंस का मसला चल रहा है तो पाइल नंबर वन पीपल कार्ड नंबर थर्टीन थर्टीन नंबर इज़ अ कार्मिक डेप्थ ऑफ मनी ऑल्सो तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ तेरह होता है ना उनके साथ ये चीज़ बहुत स्ट्रांग आती है कि उनकी लाइफ के अंदर ना मनी से रिलेटेड पैसा कभी रुकता नहीं है और मनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चलता रहता है तो आ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका डॉक्यूमेंट के अंदर जो है तेरा नंबर लिखा हुआ है एज अ डेट ऑफ बर्थ तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा तो ये एनर्जी मुझे आप लोगों की फील हो रही जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस दिन स्नो फुल मून होने वाला है ना चौबीस तारीख चौबीस फरवरी उस दिन आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी उस दिन आप लोगों की एनर्जी रहेगी एकदम शांत स्टेबल और थोड़ा सा भगवान के प्रति कनेक्टेड आप लोग महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने आप को संतुष्ट करना है हर तरीके से अपने आप को डील करना मुझे आना जरूरी है ऐसा कुछ आपको महसूस होगा ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या आता है आपके लिए वट यू गाइज आर एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टिंग कार्ड भी मैं निकाल के देखूंगी बट uh, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अभी आप लोगों के लिए ये देखूं कि मैं आप लोगों के लिए ये देखूं कि आप लोग अभी हाल फिलहाल और किन परिस्थितियों के अंदर हैं ठीक है आप लोगों के लिए यहां पर कार्ड नंबर वाओ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन वाओ करेज नो नथिंगनेस हारमनी मेचोरिटी एंड पेशेंस देखिए गाइज पायल नंबर वन पीपल आप लोगों को मैंने बताया ही कि आप किस किस्म के इंसान हैं मतलब आप जिम्मेदारी लेने वाले इंसान हैं जिम्मेदार किस्म के पर्सन हैं आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना आपको पता होता है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है कैसे लगाना है क्या नहीं लगाना है स्टिल आपके साथ किसी तरीके की पैसे की कोई समस्या कुछ चल रहा है हो सकता है कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो अपना और आपको अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि वो पैसा आपका सही समय पर सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ कन्फ्यूजनस है आप लोगों के जहन में तो आ, मैं देखो इस फुलमून की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक स्ट्रांग और पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ और वो स्ट्रांग पॉजिटिव चेंज जो है ना वो है कि जिन चीज़ों से आपको ना कुछ चीज़ें छोड़कर जा रही हैं इस फुलमून के ऊपर ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब आपकी ज़िंदगी में ना किसी तरीके का कोई मकसद नहीं है मैं लिटरली देख रही हूँ कि आ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई मीनिंग नहीं है नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे कार्ड नंबर फाइव और आ, ये जो नथिंगनेस का कार्ड है ना ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई ना तो आपकी ज़िंदगी ठहर जाएगी और बिल्कुल सब कुछ काला हो जाएगा लेकिन लिटरली अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ ना आपकी एनर्जीज के ऊपर तो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि जिन चीज़ों को आपने अभी भी संजो के रखा हुआ है ना कि आगे चल के काम आएगी ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं ये कोई रिश्ते हो सकते हैं ये कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइक uh, like, जैसे होता है ना पर्टिकुलर ऐसा फॉरम है इसको मैंने संभाल के रखा है आगे चल के मेरे कभी काम आएगा तो ये जो पर्टिकुलर कोई चीज़ है ना ये आपको छोड़ के जाने वाली है क्यों क्योंकि ये जो चीज़ आपने संजो के रखी हुई है ना ये आपके किसी काम की है ही नहीं नो no नथिंगनेस का कार्ड है तो ये कभी आपके काम आने ही नहीं वाली है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो होता हुआ फील हो रहा है वो है जो कूड़ा कचरा करकट जो आपने अपनी ज़िंदगी में लगा के रखा हुआ है ना सजा के रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिश्ते चीज़ें कपड़े कुछ लोगों को आदत होती है कि वो ख़राब खराब कपड़े जो होते हैं ना जो कभी उनके काम नहीं आ रहे होते हैं कभी इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं उनको भी संजो के रखते हैं तो वो सारी चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी से मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है हैं किसी तरीके का बर्डन हो सकता है कुछ ऐसा तो सबसे पहली चीज़ आई एम सींग इस फुलमून की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक क्लीनिंग आएगी आपको क्लैरिटी आएगी क्लीनिंग आएगी जो कूड़ा कचरा फालतू की चीज़ें जो भरी हुई है ना वो सब आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलेंगी दूसरी चीज़ दूसरी बहुत ही पॉजिटिव और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है कि आप किसी चीज़ का ना एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे पेशेंस का कार्ड है कितने ही फुल मून निकल गए कितने ही न्यू मून निकल गए वो जो पर्टिकुलर चीज़ थी ना वो कभी आ रही थी कभी जा रही थी कभी आ रही थी कभी जा रही थी फाइनली वो चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही हुई है कार्ड ऑफ पेशेंस कार्ड नंबर सेवन दैट मीन्स विजडम केतु तो आ, वो पर्टिकुलर चीज़ फाइनली आपकी ज़िंदगी में अब आने वाली है दिस इज़ आई एम सिंह है और ये किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है ये किसी चीज़ की स्टेबिलिटी हो सकती है मुझे यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है ये जो भी आपकी विश है ना इसकी वजह से आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी और ये ग्रोथ ना पर्टिकुलरली सिर्फ पैसे में नहीं है ये ग्रोथ स्टेबिलिटी में भी है हेल्थ में भी है और कुछ रिश्तों को लेकर के भी किसी तरीके की पॉजिटिव विश आप लोगों की कंप्लीट होने को है तो पहली चीज़ फ़ालतू के जो रिश्ते और फालतू की जो कूड़ा करकट रखा हुआ था आपकी लाइफ के अंदर वो निकल रहा है दूसरी चीज़ बहुत समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे पेशेंस रख के बैठे हुए थे वो होने वाला है वो कुछ भी हो सकता है इट्स टोटली अप टू यू ओके तीसरी चीज़ आप बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हैं करेजियस इन सेंस आप बहुत ज़्यादा वोकल होने वाले हैं पाइल नंबर वन पीपल वोकल इन सेंस कि आपको जो समझ आ रहा है ना वो आप बोल रहे हो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपका मन कह रहा है ना वो आप उस चीज़ को लेके वो कल हो हंड्रेड परसेंट किसी ने आपसे पूछा है तो आप सत्तर बिलो में नहीं घुस रहे हो आप मुंह खोल के एकदम सीना तान के उस चीज़ का जवाब दे रहे हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है कहाँ आपकी गलतियां थी कहाँ आपकी गलतियां नहीं थी आई एम सी यू विल बी करेजियस मतलब एक uh, जैसे होता है ना कि बहुत सारी परेशानियों में भी लड़ने वाला और अपने आप को ग्रो करने वाला ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं आप लोग आप देख सकते हो ये बेचारा पौधा कहाँ खिल रहा है पत्थरों के अंदर जहाँ बेचारे को ना पानी है ना uh, मिट्टी है कुछ नहीं है जस्ट वो परिश्रम कर रहा है अपने आप को खिला रखने के लिए अपने आप को ब्लॉसमिंग रखने के लिए तो वो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ नेक्स्ट आई एम सींग वी हैव अ कार्ड ऑफ मेचोरिटी चौथी चीज़ मेच्योर मेच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मेच्योर पॉजिटिव सिस्टमेटिक फॉर्म के साथ आप उभर कर बाहर आएंगे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके का रिकन्सिलियशन आ रहा है आई एम ऑल्सो सींग रिकन्सिलिएशन कार्ड या तो हो सकता है आपके किसी पास्ट पार्टनर से आपका रिकन्साइल हो जाए या फिर आपका किसी न्यू पर्सन के साथ एक स्ट्रांग हार्मनी क्रिएट हो या फिर आप अपने साथ ही एक स्ट्रांग पॉजिटिव हार्मनी क्रिएट करने वाले हैं बहुत जल्दी ठीक है एंड ओवरऑल स्ट्रांग 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 ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड नंबर थर्टीन ट्रांसफॉर्मेशन अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इसको लाने के लिए आपने जितनी 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 मेहनत करी है ना इतनी मेहनत नॉर्मली कोई नहीं कर सकता ठीक है तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पायल नंबर वन पीपल आप लोग कुछ इस किस्म के इंसान हैं जो जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी जा सके ठीक <laughs> है तो पहली चीज़ कूड़ा करके ठटरा है दूसरा पेशेंस आप जिस चीज़ के लिए रख के बैठे थे वो होने वाला है तीसरा बहुत ही करेजियस अवतार में आप वोकल होने वाले हैं आप मेच्योरली एक्ट करने वाले हैं खुद के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ हार्मोनाइज होने वाले हैं रिकनसाइल करने वाले हैं एंड स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं इन योर एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन नाउ लेट मी चेक ये जो फुल मून है स्ट्रांग इफेक्ट आपके करियर पे डालने वाला है या फिर स्ट्रांग इफेक्ट डालने वाला है आपके लव लाइफ पे करियर लव हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इस फुल मून का असर करियर पर है डेथ लव पर है हेरोफिंट हेल्थ पर है वाओ किंग ऑफ पेंटिकल्स और स्परिचुअलिटी पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करियर की तो ये करियर के ऊपर बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डालेगा ट्रांसफॉर्म होंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ऐवे नहीं है डेथ दैट मीन्स न्यू बिगनिंग करेंगे आप. आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को नए अवतार में बदलते हुए देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा हाँ फाइनली मैं कुछ कर सकती हूँ मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ मुझे कुछ लोग न्यू बिजनेस कुछ न्यू आइडियाज़ लेके अपने आप को सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं लव लाइफ़ में हेरोफेंट का कार्ड है कुछ लोगों की शादियाँ मैनिफेस्ट हो सकती हैं और कुछ लोगों के मिलने जुलने घूमने फिरने के दिन मैनिफेस्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल डे हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है दैट मीन्स हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है ऑल दो स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप प्रैक्टिकली ज़्यादा रहेंगे मनी माइंडेड ज़्यादा रहेंगे मेटरलिस्टिक ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है उस चीज़ में अपने आप को देखना पड़ेगा ठीक है तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि मैं फुल मून के दिन जो है थर्ड आई का एक मेडिटेशन सेशन लेने वाली हूँ ऑब्वियसली बात है दैट विल बी पेड फॉर श्योर लेकिन ये एक ऐसा सेशन होगा कि इसको इस सेशन को लेने के बाद आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पी डी एफ नोट्स और डेफिनेटली uh, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं इन दैट मेडिटेशन तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली यू गाइज आर वेलकम इन दैट तो अब हम देखते हैं मैंने आपको ये चीज़ें तो सारी बता दी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आप एग्जैक्टली exactly मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फुल मून दिस इज़ द स्नो फुल मून और स्नो फुल मून का आप लोगों को पता ही असर जो है वो है प्रोस्पैरिटी मनी और ग्रोथ पर आता है तो पहली चीज़ है फाइनेंशियल हेल्थ पाइल नंबर वन पीपल आप बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुल मिला बहुत सारा पैसा और ग्रोथ क्लैरिटी और अपने आप को ढूंढना मुझे ऐसा लगता है ये तीन चीज़ें इंसान के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है तो पैसा फाइनेंशियल हेल्थ सेकेंड चीज़ आंसर्स का कार्ड है यहाँ पे यानी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हिसाब से नहीं थी उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी ठीक है और एक चीज जो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव देख रही हूं वो है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पा जाएंगे इस चीज के अंदर ठीक है इस चीज के अंदर आप अपने आप को पा जाएंगे एम टेलिंग आप लोग एक काम कर सकते हैं स्वास्तिक पता है ना आपको जब मॉर्निंग उठे आप लोग चौबीस तारीख को चौबीस फरवरी को फुल मून के दिन जब आप लोग उठें तो आपने स्वास्थ्य ना अपने थर्ड आई के ऊपर बना लेना है ठीक है और उसको तीन बार टैप टैप करना है अपनी इन दो उंगलियों से इन दो उंगलियों से उसको सर को जो है टैप टैप करना है और ये करने के बाद आपने क्या करने की कोशिश करनी है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन डालनी जैसे थैंक यू सो मच दिस ब्यूटिफुल स्नो फुल स्नोफुल मून आप मेरी ज़िंदगी में ढेर सारा वाला पैसा ढेर सारे वाली पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी दे रहे हैं ऐसा आप जो है सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तब करेंगे और रात को सोएंगे तब करेंगे ठीक है ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा एडवाइजेस है आप लोगों के लिए कि इस दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो बिलीव करो सब पॉसिबल है और आपकी कोई नेगेटिव टफ़ साइकिल है फाइनेंस से रिलेटेड उसका अंत होने वाला है अब देखो ना यहाँ से शुरू हुई थी ये बातें फाइनेंस को लेकर के फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड फाइनेंशियल हेल्थ टोटली अपोजिट थिंग्स ये चल रहा था फाइनली ये होने वाला है ओके okay? तो पायल नंबर वन पीपल दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग तो जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ फोर फाइव सिक्स टेन इलेवन ट्वेल्व सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ये थी आप लोगों की रीडिंग बहुत जल्दी आप लोग इस ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फैब के बाद से ही अपने फाइनेंसिस में एक स्ट्रॉन्ग बदलाव देखोगे और वो सारे छोटे छोटे बदलाव भी देखोगे जो मैंने आज की रीडिंग में बताया है एंड द अगेन आई एम रिपीटिंग अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन uh, कराना है इन योर थर्ड आई एक्टिवेशन सेशन तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि ट्वेंटी uh, फोर को सेशन है तो आई मस्ट से ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैब दोपहर बारह बजे तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन है बस ठीक है तो अपना अपना ख्याल रखें खुद से बहुत सारा वाला प्यार करें जल्दी मिलेंगे कौन है रीडिंग में तब तक के लिए बहुत 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 सारी वाली ब्लेसिंग्स हाँ टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फुल मून के बारे में दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्लो स्नो फुल मून और स्नो फुल मून हमेशा प्रोस्पैरिटी मनी अबेंडेंस और ग्रोथ को दिखाता है ठीक है और इसका नाम जो है वो स्नो फुल मून इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये वाला जो फुल मून होता है ना ये विंटर्स के ख़त्म होने पर आने वाला होता है और इस दिन सबसे ज़्यादा भारी Uh, बर्फबारी होती है यानी कि स्नोफॉल होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद से ना मौसम में थोड़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं सर्दियाँ कम होने लगती हैं तो ये ग्रोथ को और डार्क साइड ऑफ लाइफ को ख़त्म और पॉजिटिव साइड ऑफ़ लाइफ को जो है स्टार्ट होने का बिगनिंग होने का भी साइन देता है सो दिस फुल मून इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ एंड न्यू बिगनिंग्स तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है वन टू थ्री थर्टी फर्स्ट सेवन एट नाइन थर्टीन फोटीन फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन तो ये है आप लोगों की रीडिंग आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या बहुत खूबसूरत अंदाज़ में निकल कर उभर कर बाहर आता है तो देखते हैं आप लोगों के लिए फुलमून किस तरीके की एनर्जीज को दर्शाने वाला है और क्या एनर्जीज़ आप लोग महसूस करेंगे ड्यूरिंग दीज डेज़ आज हम बात ही इस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं यहां पर चेक कर रही हूं आप लोगों के लिए एनर्जीज हीलर्स ऑफ द एजेस एक्शन And Archangel Michael. bottom माइकल बॉटम ऑफ 42 45 sorry सॉरी man मैन होल्डिंग हार्ट तो यहाँ पर है एंड 35. ओके दीज आर कार्ड्स हेयर फॉर द एनर्जी सेगमेंट तो देखो जी एक चीज जो बहुत ही कॉमन है वो ये है ग्रोथ जो कि ये स्नो फुलमूल लेकर आ रहा है राइट अब मैं यहाँ पर है ना uh, क्या देख रही हूँ फॉर द पाइल नंबर टू टू पीपल आप लोग uh, बहुत ज़्यादा असमंजस में रहने वाले लोगों में से नहीं है यू गाइज आर वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशन एंड इंट्यूशंस आपको जो भी महसूस होता है वो आप सामने वाले को कह देते हो यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मतलब मुंह में जो आया ना वो बस जबान पर है मन में जो आया वो ज़बान पर है ऐसी होती है आपकी एनर्जीज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तुरंत कह करके और ख़त्म करो वो वाली एनर्जी में रहते हो आप लोग ठीक है दिस इज़ वॉट एम गेटिंग दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो महसूस कर रही हूँ वो है कि आप लोगों के मन में ना किसी को भी लेकर के या किसी भी सॉरी गॉड ब्लेस मी किसी को भी लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के द्वेष नहीं रहता आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा साफ है क्रिस्टल क्लियर टाइप से आप लोग ठीक है और आप हमेशा ना दूसरों के काम आना पसंद करते हैं आप आते ही हैं हमेशा दूसरों के काम हीलर्स ऑफ द एजेस का कार्ड है वाइट कलर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आई मस्ट से आप लोग इंटेलिजेंट हैं विजडम वाले हैं आप uh, लोगों को स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आप हमेशा कर्मा पर बिलीव करते हैं बट ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ओके okay. तो ये तो मुझे आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी फील हो रही है नाउ अगर हम उस दिन की बात करें जिस दिन हमारा ये खूबसूरत सा फुलमून है तो आई मस्ट से मैं जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रही हूँ वो है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पॉजिटिव एक्शन आप लोग लेने वाले हैं ठीक है थीके? आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन फॉर्म में होने वाले हैं हो सकता है आप लोग किस तरीके के इंसान है ना कि जब तक काम नहीं पड़ता ना जब तक कोई इशू ऐसा क्रिएट नहीं होता है तब तक आप उस चीज़ की जड़ तक जाना पसंद नहीं करते मस्त मौलाराम इंसान है आप तो लेकिन मुझे इस फुल मून की एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है जो आपके ऊपर ना टिक टिक करने वाली है कि अरे ये काम करना है भाई अरे ये काम नहीं हुआ है भाई ये काम किया ही नहीं है अभी तक ऐसी एनर्जीज़ में जो है आप लोग मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्के माइकल का भी कार्ड है तो आई मस्ट से मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग आ, अपनी स्टेबिलिटी और अपने करियर को स्ट्रांगली इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस देते हुए भी नज़र आ रहे हैं तो इस दिन मून का जो दिन आने वाला है चौबीस फरवरी उस दिन से आई एम सींग स्ट्रांग सोर्स ऑफ पावर इन योर सेल्फ शांत रहेंगे स्टेबल रहेंगे ठीक है एक्शन में रहेंगे बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे चीजों को लेके. नाउ लेट्स सी ये तो चलो एनर्जी हो गई आप लोगों की जो उस दिन रहने वाली है अब देखते हैं आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके okay? अगर कुछ बुरा भी आएगा तो भी आई विल श्योरली यू यूगाइस रेमेडीज तो मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या रिचुअल करना है जैसे मैंने हमेशा बताया है आज भी बताऊंगी लेकिन वही वाली बात है पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं आई डोंट नो एंड वन मोर थिंग जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है कि इस फुल मून मैं एक वन डे सेशन लेकर आ रही हूँ जो कि होने वाला है आपका थर्ड आई एक्टिवेशन सेशन उसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है फॉर द बिगनर्स जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से थर्ड आई का एक्टिवेशन ज़रूरी है ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखने वाले हैं उसके अंदर सो so इफ आप लोगों को भी अपना इनरोलमेंट कराना है तो आप करा सकते हैं यू गाइज कैन ऑल्सो रजिस्टर इन दैट बॉटम ऑफ द डेक मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है यहाँ पर पहला कार्ड है पेशेंस दूसरा कार्ड है कार्ड नंबर सेवन पॉलिटिक्स तीसरा है नथिंगनेस चौथा है यहाँ पर uh, लेटिंग गो पांचवा है यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास छठा है द चेंज और सातवा कार्ड है यहाँ पर करेज तो कुछ कुछ पाइल नंबर वन जैसी मेरे को यहाँ पर एनर्जीज महसूस हो रही हैं आप लोगों की एनर्जीज़ में भी और आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस में भी uh, सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस कार्ड की बात करूँगी ना वो है ये क्लिंगिंग टू द पास्ट और नथिंगनेस पहली चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है पाइल नंबर वन पीपल कि कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ की वजह से या जिस चीज़ के अंदर है ना आप काफ़ी टाइम से घुले हुए हो ठीक है मतलब जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से उस चीज़ के अंदर आप लगे हुए हो और बस लगे हुए ही हो इतना टाइम हो गया उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो ठीक है वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ पास्ट का ऐसा है सत्तर मुँह सत्तर बातें वाली बात और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो एक अरसा हो गया दिमाग में आपके ट्वेंटी फ़ोर एन सेवन वो चीज़ें चलती रहती हैं आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हो बट बिकॉज ऑफ़ दिस फुल मून एनर्जीज़ जैसा कि मैंने कहा ये न्यू बिगनिंग प्रोस्पैरिटी और ग्रोथ देता है तो आप लोग ना एक नए सिरे से क्लीन करने वाले हो अपनी ज़िंदगी को मतलब कुछ नया क्लीनिंग होने वाला है कुछ नया आप लोगों की लाइफ में ना स्ट्रांगली आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को शांति पॉजिटिविटी और सुकून देगा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक अलग सिरे से अलग लेवल पे देख पाओगे कुल मिला के पहली चीज़ पास्ट की सारी की सारी चीज़ें जो हैं पहली चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पास्ट की सारी चीज़ का खात्मा या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा या फिर कोई चीज़ ऐसी आएगी जिसकी वजह से आप अपने पास्ट को धक्का देके नए सिरे से कुछ नया शुरू कर पाओगे ठीक है दिस इज़ द फर्स्ट थिंग सेकेंड चीज़ यहां पर है द पेशेंट का कार्ड दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में आफ्टर दिस 2024 का ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फैब कि आप काफ़ी टाइम से जाने कितने न्यू मून ख़त्म हो गए कितने ही फुल मून आ गए ठीक है कितने ही महीने बीत गए इस चीज़ को इस विश फुलफिलमेंट को लेके लेकिन आपकी वो पूरी नहीं हो रही थी फाइनली वो विश फुलफ़िलमेंट आपकी जो है कंप्लीट होने वाली दिस इज़ आई एम गेटिंग और नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहां पर देख रही हूं पहली चीज़ क्लैरिटी पास्ट को टाटा बाय बाय बोलना दूसरी चीज़ हो गई कि कोई तर, किसी तरीके की विश फुलफ़िलमेंट का आना तीसरी चीज़ मैं यहां पर देख रही हूं किसी तरीके का पार्टी पॉलिटिक्स भाई अगर आप कोई जॉब करते हैं या किसी तरीके का बिजनेस करते हैं थोड़ा सा सतर्क रहिएगा किसी तरीके की धोखाधड़ी की मेरे को बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है बू आ रही है मतलब कुछ धोखाधड़ी टाइप्स तो उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना पैसा वैसा इधर उधर मत लगाना सोच समझ के अपने पैसे को इनरोल करना कहीं पर भी ठीक है नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूं आप लेट गो करेंगे अपने बहुत सारे स्ट्रगल का और करेज के साथ उभर कर आएंगे बहुत ज्यादा वोकल रहेंगे आप अपने बारे में और एक स्ट्रांग चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फुल मून ये स्ट्रांग चेंज क्या है पास्ट की नेगेटिविटी से टाटा बाय बाय किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट करेज के साथ वोकल होकर अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करना हो सकता है आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं है इतने जितना आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए उतना एक्सप्रेसिव नहीं है आप तो अब आप लोग एक्सप्रेसिव होने वाले हैं बस किसी तरीके का पार्टी पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा तो एक खूबसूरत चेंज देकर जाएगा आपको दो का ये फुल मून नाउ लेट मी चेक कि आपका जो ये बदलाव है जो फुल देगा ये करियर में ज्यादा रहेगा या लव लाइफ में ज्यादा रहेगा ठीक है करियर लव हेल्थ स्पिरिचुअलिटी बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट मुझे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि अपने करियर और अपनी लव लाइफ दोनों को लेकर के बहुत सारी परेशानी और बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस में गुजरे हैं अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके करियर की तो वी हैव अ टावर का कार्ड दैट मीन्स न्यू बिगनिंग ही बात है न्यू बिगनिंग देगा ये लेकिन अगेन टावर का कार्ड है तो आई मस्ट से पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को बचा के रखना प्लीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए गाइडेंस ठीक है लव लाइफ में आई एम सींग न्यू बिगनिंग इज कमिंग बट फोर ऑफ कप्स का कार्ड है तो आई मस्ट से न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनेगा फोर ऑफ कप्स तो कन्फ्यूजन के साथ आप बहुत बहुत ज़्यादा रहने वाले हो ठीक है तो कन्फ्यूज हेड को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करें हेल्थ के मामले में सब सही है स्पिरिचुअलिटी के मामले में सब सही है इनफैक्ट आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर और इन्हांस करने वाले हो हो सकता है आप लोग अभी जो मैं 2024 का इस ट्वेंटी ऑफ फैब को जो सेशन करने वाली हूँ थर्ड आई एक्टिवेशन का उसके अंदर आप इनरोल करें ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए नाउ लेट मी चेक आप लोग कौन सी वो तीन चीजें हैं जो इस फुल मून के दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं पहली चीज है हीलिंग दूसरी चीज है ब्लेसिंग और तीसरी चीज है कंपैशन तो सिंपल सी बात है पास्ट की सारी चीजों को टाटा बाय बाय करना लेट गो करना जो भी अच्छा नहीं है उस चीज़ पे से अपना ध्यान हटाना इट इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ हीलिंग राइट आप लोगों को ना मैं और आगे बताऊँ उससे पहले एक रेमेडी दे देना चाहती हूँ आप लोगों ने क्या करना है ये जो अभी आपका फुलबून आ रहा है ना इस दिन आप लोगों ने जब नहाना है ना तो उस पानी के अंदर कुछ लेमन या तो लेमन एजेंशियल ऑयल है तो वो डाल लेनी है या फिर लेमन के कुछ बूंदे डाल करके फिर आपने नहाना है ठीक है और फिर उसके बाद आपने रात को ना अगर आप लोग कर सकते हैं तो रात को ना ग्यारह बार अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना दैट विल बी मोर गुड ताकि जो ये करियर का जो एक खराब पॉइंट आया है ना यहाँ पे कि किसी तरीके की कि पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है वो साइड हो सके ठीक है तो बाकी तो सब कुछ सेट है हीलिंग्स हैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं कंपैशन है फुल हैप्पी कम्पैशनेट एनर्जी के अंदर आपको जो भगवान है ना वो हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स देंगे ठीक है जी क्योंकि ये आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है यह आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर बहुत हैप्पीनेस के साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ ओके नाउ लेट मी टेल यू गाइज आप लोगों के लिए एडवाइसेस क्या है आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का आगे बढ़ने का ठीक है और ये समय है कि आप अपने आप को रिलीज़ करें फ्रॉम द नेगेटिव अलाइनमेंट जैसा कि मैंने कहा है कि पास्ट की बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें उनसे अपने आप को थोड़ा रिलीज़ करने की कोशिश करें आप पेपर के ऊपर लिख करके सारी परेशानियों को जला भी सकते हैं फुलमून वाले दिन ठीक है अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करने दें अब समय है कि आप आगे बढ़ें और अपने आप को हील करें ओके जी तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई होगी तो अपना अपना ख्याल रखें खुद से प्यार करें इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली आप लोग इनरोल कर सकते हैं इन दैट पॉजिटिव वन डे सेशन ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दे दिए वहां से जाके आप लोग मुझे कम्युनिकेट करें अपना अपना ख्याल रखिएगा जल्दी मिलेंगे कौन है रीडिंग में